हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में, जहां आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कैसे उसके बारे में, उस कंपनी के बारे में इनडेप्थ एनालिसिस किया जाता है, उसके प्रोडक्ट्स को, उसके बिजनेस को, उसके पूरे बिजनेस मॉडल को समझ के, उनका फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी को देख के, फिर हम लोग मन बनाते हैं कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, और यदि है तो किस प्राइस में इसमें इन्वेस्ट करें ताकि वहां से डाउनसाइड पोटेंशियल बहुत लिमिटेड रहे और अपसाइड खुला रहे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंपनी पेट्रोकेमिकल्स की एक बहुत ही छोटी कंपनी है, बट जिसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा है। कंपनी का नाम है पनामा पेट्रोकेमिकल। इसका आप देखें तो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, 1900 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है। करंटली ये 320 रुपए पे ट्रेड कर रही है, ऊपर 360 गया था तो वहां से थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिला है। करंटली स्टॉक्स 8.1 के पी पे ट्रेड कर रही है, तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, कंसिडरिंग कि ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है दे आर ऑल स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स। जैसे केमिकल्स में क्या होता है, बल्क केमिकल होता है, स्पेशलिटी केमिकल होता है, तो जो बल्क केमिकल होता है उसको वैल्यूएशन कम मिलता है और जो स्पेशलिटी केमिकल्स होता है उसको वैल्यूएशन ज्यादा मिलता है। तो इस कंपनी का बात करें तो ये लोग भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मोस्टली बनाते हैं जिसमें मार्जिन काफी अच्छा होता है, तो उस हिसाब से इनको जो 8 का वैल्यूएशन मिल रहा है वो थोड़ा सा रीजनेबल है, मतलब ये बहुत ओवर वैल्यूड नहीं है। कंपनी का बुक वैल्यू का बात करें तो 127 रुपया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे आप नजर दीजिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 41.2%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 34.7%। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा रिटर्न बना के दे रही है। बहुत कम कंपनी आपको दिखेगी जो 41.2% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बना के दे या 34.7% का रिटर्न ऑन इक्विटी बना के दे। 6 करोड़ शेयर्स है तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ शेयर इज नॉट वेरी हाई, तो यानी अगर कंपनी में ग्रोथ आता है और प्रॉफिट बढ़ता है तो डायरेक्टली अर्निंग पर शेयर में काफी अच्छा ग्रोथ आता है। सेल्स आप देखो तो 2100 करोड़ का सेल्स है, तो मार्केट कैप जो है 1900 करोड़ का है, तो मार्केट कैप टू सेल्स इज 0.9। प्राइस टू बुक देखेंगे तो 2.5 है, तो बहुत सस्ता भी नहीं है तो बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का ईपीएस देखें तो 39.2, यानी ऑलमोस्ट 40 रुपए का ईपीएस कंपनी जनरेट करती है। पेग रेशियो देखें तो ओनली 0.2, मेरे को ये पेग रेशियो बहुत अच्छा लगता है और खास करके जब ये 0.5 के नीचे होता है तो दैट मेक्स थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे तो 1 से कम का पेग रेशियो बहुत अच्छा माना जाता है, बट 0.5 से भी अगर कम होना तो वहां पर एक बहुत अच्छा बेट बनता है। कैश इनके पास देखें तो 139 करोड़ का कैश है बुक्स में, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है, ईवी बाय ईबीटा भी अगर देखें तो 5.8 का ईवी बाय ईबीटा है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं तो बहुत ज्यादा यहाँ पर कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं दिखती। अगर चार्ट में आए तो चार्ट में ये देख सकते हैं कि काफी ऊपर नीचे होता है। अब इसके पीछे कारण ये है कि क्यों इतना प्राइस ऊपर नीचे होता है, बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल की जो कंपनी होती है ना उनका क्रूड ऑयल के प्राइसेस से काफी इम्पैक्ट होता है, तो जब इनका क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे होता है इनको मार्जिन अच्छा मिलता है तो इनका शेयर बहुत तेजी से ऊपर ग्रो होता है, और जैसे ही फिर हम लोग देखते हैं क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा बढ़ गया इनका मार्जिन श्रिंक होने का खतरा रहता है। मार्केट को ऐसा लगता है, हो सकता है मार्जिन श्रिंक ना भी हो, इनके कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां पर प्राइस पास ऑन करना बहुत आसान है इनके लिए, तो मार्जिन पर बहुत इफेक्ट नहीं भी पड़े, पर मार्केट इस तरह से इसको कैलकुलेट करता है क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल है, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है इनका मार्जिन घटेगा, इनको दिक्कत आएगी, तो मार्केट पहले ही करेक्ट करके बैठ गया। और आप देख सकते हैं करेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है और यहाँ पर धीरे 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 ऊपर का रास्ता पकड़ रहा है। अब आता है कि अगर ये नीचे आता है तो क्या होगा, तो नीचे अगर ये आता है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है यहाँ 50 डीए में जो है 50 डे का वो 296 है और 200 का 275 है, तो जनरली हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर बाउंस करता है, बहुत कम ऐसा होता है कि ये 200 के डीएमए को तोड़ता है, तो अगर ये 200 डीएमए का सपोर्ट भी लेता है तो 275 रुपया तक टेक्निकली नीचे जाने का पॉसिबिलिटी है और अपसाइड इज ओपन, टोटली ओपन, तो अपसाइड को लेके कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 275 रुपया तक अगर कुछ खराब होता है मार्केट में तो वहां तक आ सकता है, तो दैट कुड बी अ पॉइंट जहां पर अगर आपको कंपनी अच्छी लगे और आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आ जाए ये वीडियो देखने के बाद, तो आप अगर 275 के आसपास इसमें एंटर करना चाहें तो दैट कुड बी अ नाइस पॉइंट टू एंटर। कंपनी में देखिए किसी भी तरह का कोई नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिव क्या है, कंपनी ने अपना डेट घटाया है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है आज के डेट में, कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 39.8% कैगर इन लास्ट 5 ईयर्स,
पिछले 5 साल में अगर 40% के कैगर से प्रॉफिट ग्रो हो रहा है तो विच इज नॉट अ जोक, मतलब ये काफी अच्छा नंबर है। और डेटर्स भी काफी इंप्रूव है, 75 दिन में पेमेंट आता था, अभी वो 54 डेज में पेमेंट आने लगा है। अगर हम पीयर्स के साथ इसका कंपैरिजन करें तो अगर ये सुप्रीम पेट्रोकेमिकल को देखें तो 11 के पी पे, सविता ऑयल इज 9.8, बंसाली इंजीनियरिंग इज 6.7, ये 8.17 है, मनाली पेट्रो इज 4.7। तो एग्जैक्टली आपको लगेगा कि मनाली पेट्रो बहुत सस्ता है और ऐसा है, बट अगेन आपको बिजनेस को समझना पड़ेगा कि मनाली पेट्रो कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, क्या वो स्पेशलाइज प्रोडक्ट बनाता है कि नहीं, पनामा पेट्रो जो है वो कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि बिजनेस एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या हम लोग यहाँ देखेंगे तो हम लोग कह रहे हैं मनाली पेट्रो कितना सस्ता मिल रहा है, 4.7 के पी पे मिल रहा है, इनियोस कितना सस्ता मिल रहा है, ठीक है। बट अगेन जब तक हम इन सारी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मनाली खराब है, मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम लोगों ने मनाली स्टडी नहीं किया डीपली, तो अभी मनाली पे कोई जजमेंट नहीं ले सकते, सिर्फ इस नंबर को देख। हाँ, हो सकता है मनाली इससे भी बेटर कंपनी हो, वंस वी स्टडी मनाली फिर हम लोग डिसाइड कर पाएंगे, बट फिलहाल हम लोग किसको स्टडी किया, पनामा पेट्रो। तो इसके बिजनेस को जब हम स्टडी करेंगे तो इसके बारे में समझने का कोशिश करेंगे कि ये 8 का पी जो इसको मिल रहा है क्या ये रीजनेबल है, यानी क्या ये ओवर वैल्यूड है, क्या यहाँ से वैल्यूएशन और इम्प्रूव होना चाहिए, कंसिडरिंग कि कौन से प्रोडक्ट्स में ये लोग इंगेज है। ईवी बाई बीटा देखें तो ये पनामा पेट्रो जो है 5.8 के पी इस पे है, मनाली पेट्रो और भी सस्ता है 2 के पी ईवी बाई बीटा पे है, इनियोस इज 3, डीसीडब्ल्यू इज 4, सुप्रीम पेट्रो देखे तो 7 का है, सविता ऑयल 6.4, बंसाली इंजीनियरिंग इज 4.37। तो उस अकॉर्डिंगली पनामा पेट्रो अगर देखें तो अगेन कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं है तो बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखते हैं विच कुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट। इनका जून में जो रिवेन्यू आया 552 करोड़ आया, पिछला जून में देखे तो 551 करोड़ था, उसके पहले वाले जून में अगर जून 2020 में जाए तो 160 करोड़। तो ये तो लॉकडाउन पीरियड था तो इसके बारे में हम लोग चर्चा ना ही करें तो बेटर है। व्हाट्स इंपॉर्टेंट कि आप टूवर्ड्स एवरी क्वार्टर में, जून 2019 अगर प्री कोविड का बात करें तो ये 270 करोड़ का रिवेन्यू करता था प्री कोविड में, फिर यहाँ पर ये भी थोड़ा बहुत कोविड पीरियड था पर ये रिवेन्यू यहाँ 270 से 550 करोड़ हो गया, यानी इन लोगों ने अपना रिवेन्यू डबल कर लिया। और ऐसा नहीं कि खाली एक क्वार्टर में हुआ, ये 550 करोड़ का रिवेन्यू सस्टेनेबल है, सितंबर में हुआ, दिसंबर में भी 500 करोड़ का हुआ, मार्च में भी 500 हुआ और जून में भी फिर 552 करोड़ का रिवेन्यू हुआ, ठीक है। सितंबर में अगर देखें तो इनका रिवेन्यू बढ़ता है, दिसंबर में रिवेन्यू बढ़ता है, मार्च में सबसे हाई रहता है, जनरली इनका रिवेन्यू मार्च में हाई रहता है, तो उसके बाद जून में जून में भी थोड़ा हाई रहता है। तो यहाँ पर मार्च जून सितंबर दिसंबर चारों क्वार्टर में 500 करोड़ से ऊपर का ही टर्नओवर किया, तो ये टर्नओवर को अपना मेंटेन किया चारों क्वार्टर, यानी इससे ये समझ में आ जाता है कि बिजनेस सीजनल तो नहीं है। अब आते हैं मार्जिन्स पे बात करते हैं, कहां जून 2019 में मार्जिन 6% 5-5-5-6-8% ऐसा हुआ करता था, ये बीच में थोड़ा सा 18% हो गया था पर जनरली ये 14-15, तो 6% 5% करने वाली कंपनी मार्च 2021 के बाद आप देखो कंसिस्टेंटली 15% 14% 13% 16% का ऑपरेटिंग मार्जिन कर रही है। तो क्वेश्चन आता है यहां पर क्या था और अचानक से फिर यहाँ पर क्या चेंज आ गया, तो डेफिनेटली कंपनी के प्रोडक्ट मिक्स में ऐसा कोई चेंज आया जहां ये लोग का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का बिक्री बढ़ने से क्या एडवांटेज मिलता है कि आपका मार्जिन बढ़ता है, आपके मार्जिन इंप्रूव होते हैं। तो अभी अपने जब बिजनेस मॉडल को समझेंगे तो अपने ये चीज को फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे कि क्या इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से बिक्री और ज्यादा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो ये सब चीज पे हम लोग को काफी ध्यान देना पड़ेगा। फिर इनका अर्निंग पर शेयर देखें, यहाँ पर 1.5 रुपया, 1.30 रुपया, 1.05 रुपया, 60 पैसा, अचानक से यहाँ पर अर्निंग देखिए 9 रुपया, 9.92 रुपया, 9.60 रुपया, 10 रुपया। तो कंपनी में कुछ तो अचानक से डेवलपमेंट, ऐसा कुछ चेंज हुआ है दिसंबर 2020 के बाद जहां पर कंपनी का मार्जिन बढ़ गया, टॉप लाइन बढ़ गया, अर्निंग पर शेयर एकदम बढ़ गया। तो यही सब चीज नोट करने का होता है कि कंपनी एक ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट से गुजर रहा है जहां पर ये कंपनी शायद पहले बल्क केमिकल की कंपनी हुआ करती थी, अभी ये लोग स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और वही कारण है कि ये नंबर्स जो है इतने ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इस नंबर्स में देखने मिल रहे हैं। तो दिसंबर 2020 के पहले की कंपनी और दिसंबर 2020 के बाद की कंपनी, इसमें एक जमीन आसमान का डिफरेंस हम लोग को यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है।
अगर ईयरली परफॉर्मेंस देखें तो ईयरली कहाँ 600 करोड़, 650 करोड़, 800, 700 करोड़ का टॉप लाइन करने वाली कंपनी अभी कितना कर रही है? पिछले साल 1447 करोड़ का टर्नओवर हुआ, अभी यहाँ पर 2100 करोड़ का टर्नओवर। तो आप देख सकते हैं टर्नओवर में कितना अच्छा ग्रोथ नजर आ रहा है। मार्जिन आप देख सकते हो 7%, 5%, 4% से अब एकदम 13%, 14% का मार्जिन ये लोग मेंटेन करके रखते हैं। तो यहाँ पर इनको अर्निंग पर शेयर में काफी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। कहाँ 8 रुपया करने वाली कंपनी मार्च 2020 में 4 रुपया का अर्निंग्स था, मार्च 21 में आप देख सकते हो 22 रुपया, 38 रुपया, 40 रुपया का अर्निंग होने लगा। ग्रोथ आप देखो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में टॉप लाइन जो सेल्स ग्रोथ हुआ है 16% का, पर 5 साल का कैगर देखे तो 21% के कैगर से कंपनी ग्रो कर गई। प्रॉफिट अगर देखें तो 5 साल में 40% का कैगर से ग्रो किया, पिछले 3 साल में तो 64% का कैगर से ग्रो किया प्रॉफिट। तो इतना अच्छा जब ग्रोथ कंपनी में नजर आ रहा है तो डेफिनेटली आगे चल के इनको अगर ये ग्रोथ को मेंटेन कर सके तो आगे चल के वैल्यूएशंस भी इनको काफी अच्छा मिलना चाहिए। बैलेंस शीट को देखें तो बोरोइंग्स अगर देखें तो सिर्फ 30 करोड़ का बोलेंगे, 160 करोड़ का डेट हुआ करता था, इसको चुका चुका के अभी सिर्फ 30 करोड़ है, और मे भी शायद उतना रुपया तो इनके कैश में ही होगा 30 करोड़ रुपया। तो देखते हैं इन्वेंट्री में 490 करोड़ का इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल 317 करोड़ का है, कैश में 140 करोड़ है। तो 30 करोड़ का डेट क्या हुआ, यानी नेट डेट बेसिस पे तो कंपनी डेट फ्री है। 140 करोड़ का कैश पड़ा है, लोन्स एंड एडवांसेस 65 करोड़ का पड़ा हुआ, तो नेट डेट फ्री है। कैश फ्लो पे आता है तो कैश फ्लो में अगर हम देखें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 170 करोड़ का इन्होंने कैश रियलाइज किया है, जहां पर 111 करोड़ ये लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में खर्चा किए। खर्चा कहाँ हुआ है, 30 करोड़ तो हुआ है अपना फिक्स्ड एसेट में, और 70 करोड़ रुपया का इन्होंने कहीं इन्वेस्टिंग आइटम में कहीं पर पैसा लगाया। हो सकता है कैश पड़ा हुआ है तो जितना फिक्स्ड एसेट में खर्चा करना था कर दिए, बाकी कोई फ्यूचर प्लान में होगा तो एक बार कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिए जहां से इंटरेस्ट आता रहेगा। तो दिस इज व्हाट कंपनी डू ना, कैश को कोई अपने पास लेके नहीं रखता है कोई भी कंपनी। तो कैश अगर कुछ बचता है तो या तो उससे एक्सपेंशन का प्लान किया जाता है, और या अगर अभी उस पैसे का जरूरत नहीं है तो उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो वही अदर इन्वेस्टिंग आइटम। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखे तो इन्होंने लोन चुकाया है, ठीक है, आपने देखे कि 35 करोड़ का इन्होंने डेट चुकाया है, 7 करोड़ इन्होंने इंटरेस्ट पे किया, डिविडेंड पे किया 24 करोड़। तो आप देखो कहाँ 7, 7, 7.5, 3 करोड़, 4 करोड़ का डिविडेंड पे करने वाली कंपनी इस साल ऑलमोस्ट 24 करोड़ का इन्होंने डिविडेंड पे किया, तो कंपनी डिविडेंड भी अब अच्छा दे रही है। कैश कन्वर्सन साइकिल देखें तो कहाँ 114 दिन, 90 दिन, 94 दिन का कैश कन्वर्सन साइकिल हुआ करता था, अब सिर्फ 68 डेज का रहेगा। वर्किंग कैपिटल डेज भी इनका 112, 95, 90 दिन से घट के अब 73 डेज रहेंगे। तो हर पैरामीटर पे ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का आप देख सकते हो कि बिजनेस अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है इन द सेंस कि मैनेजमेंट इज वेरी एफिशिएंट। जहां जहां इनको वर्किंग कैपिटल डेज कम करना था, कैश कन्वर्सन साइकिल कम करना था, डेट कम करना था, नेट डेट होना था, एवरीथिंग इज इन फेवर ऑफ दिस कंपनी। इस कंपनी और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड अभी को 41% है, 41% का रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड करने वाली कंपनी 8 के PE में अवेलेबल है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। प्रमोटर के पास होल्डिंग देखिए 71% का प्रमोटर के पास होल्डिंग है। एक नेगेटिव हम बोल सकते हैं कि प्रमोटर का 72 से 71 हुआ है, तो प्रमोटर में थोड़ा सेलिंग आया है, ठीक है, 1 आधा% कुछ सेल हुआ होगा। फॉरेन इन्वेस्टर का आप देखो होल्डिंग 3.69% है। डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड है उसका अभी बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं है, पब्लिक के पास 25% करीब शेयर है। तो ये तो था कंपनी का फंडामेंटल, जहां हम लोगों ने समझा कंपनी का नंबर्स कैसा है, कंपनी नंबर वाइज कैसा परफॉर्म कर रही है, नंबर क्रंचिंग इसको बोलते हैं। तो नंबर क्रंचिंग हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोगों को समझना पड़ेगा कि बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का बिजनेस करने का तरीका क्या है, इसके प्रोडक्ट्स क्या है और कंपनी क्या काम करती है। पर इससे पहले हम लोग प्रोडक्ट के बिजनेस के बारे में समझे, 2 मिनट आपका लेना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में हम लोग इसी तरह से कंपनीज का डीप डाइव एनालिसिस करते हैं। मेरा कोशिश रहता है कि मैं आपको कंपनी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूँ, चाहे वो नंबर क्रंचिंग से रिलेटेड हो या कंपनी के बिजनेस एनालिसिस से रिलेटेड हो, मैं पूरा इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट दूँ। और इस कोशिश में क्या होता है, कभी कभी वीडियो थोड़े से लंबे हो जाते हैं, लोगों का कुछ लोगों का कमेंट भी आता है कि सर आप इतने लंबे वीडियोस मत बनाइए, छोटे वीडियोस बनाइए, आपको व्यूज ज्यादा मिलेगा। बट अगेन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ और मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कहा है कि मेरा कोशिश ये रहता है कि व्यूज थोड़े कम आए मुझे चलेगा, बट मेरा ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप मेरे चैनल में आए हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ।
मैं 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो में आपको आधा अधूरा ज्ञान दूं और आपको मिसगाइड करूं, दैट इज नॉट माई ऑब्जेक्टिव, दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी। क्योंकि 10 मिनट का वीडियो देख के क्या होगा, आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लेके रह जाओगे। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप ना ये डिसाइड कर पाओगे कि ये कंपनी अच्छी है और ना ही ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये कंपनी खराब है। हमेशा वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि ये कंपनी अच्छी है और मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। मेरे तरफ से किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है किसी भी कंपनी में। ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि मैं अच्छी कंपनी ढूंढ के लाऊं, बट कंपनी हमेशा अच्छी ही हो ये जरूरी नहीं। कभी कभी एज अ स्टूडेंट ऑफ द मार्केट हम लोग को ये भी सीखने मिलता है कि कोई कंपनी अगर खराब होती है तो वो क्यों और कैसे होती है। तो कभी कभी कुछ कंपनी का, कुछ ऐसे भी कंपनीज हो सकता है फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे जिसका फंडामेंटल अच्छा ना हो, तो ऑब्जेक्टिव ये होगा कि क्यों इसका फंडामेंटल अच्छा नहीं, क्या फ्यूचर में मैनेजमेंट कुछ ऐसा कर रही है कि अच्छा हो सकता है, तो ऐसे भी कंपनीज हम लोग करेंगे हो सकता है फ्यूचर में। तो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे ताकि आप एक तरफ हो जाए, कंफ्यूजन में ना रहे। या तो आपको समझ में आ जाए कि बिजनेस अच्छा है, वी कैन इन्वेस्ट, या तो एकदम आपको समझ में आ जाए कि बिजनेस बेकार है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम से इस कंपनी को देखना ही नहीं। एटलीस्ट यू आर क्लियर। तो मार्केट में पैसा कमाना जितना इंपॉर्टेंट है, पैसे को बचाना भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्लियर अगर हो जाएगा ना कि ये कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है, बकवास कंपनी है और कुछ नहीं होना है, तो एटलीस्ट वहां पर आप पैसा लगा के फंसेंगे तो नहीं। और मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका पैसा कभी ना फंसे, भले ही मेरे व्यूज कम आए बट मेरी वजह से या मेरे किसी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से आपको नुकसान हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसी चक्कर में क्या है, देखिए अगर मैं डीप डाइव एनालिसिस करूंगा तो वीडियो थोड़े से लंबे होंगे। आप कोशिश करिए कि अगर आप एक बार में नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप 10-10 मिनट का 3 या 4 स्लॉट में देख लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि इंसान को पूरे दिन में 10 मिनट का टाइम नहीं मिलता है, 10 मिनट का टाइम आप निकाल सकते हो। 10 मिनट का टाइम निकाल के आप 10 मिनट देखिए, फिर कभी फ्री हो तो फिर 10 मिनट देख लीजिए। आप वैसे टाइम शेड्यूल करके देख सकते हैं ना, एक बार में तो कोई देखना जरूरी नहीं। बट इम्पॉर्टेंट है कि जब आप 40 मिनट 50 मिनट हमारे वीडियो में इन्वेस्ट कर दें, अपना वैल्यूबल टाइम इसमें इन्वेस्ट कर दें, उसके बाद आपका नॉलेज कंप्लीट हो, आपको कहीं पर इधर उधर भटकना ना पड़े नॉलेज कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिल जाए। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा नहीं कि आप मेरा ही चैनल देखिए, आप किसी भी चैनल में का वीडियो देखिए, बट इम्पोर्टेंट ये कि ऐसा देखिए जहां से आपको कंप्लीट नॉलेज मिले। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लेके मार्केट में पैसा मत लगाइए। हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत मेहनत से, हम लोग छोटा छोटा सेविंग्स करके मार्केट में आते हैं, और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर अगर हम लोग पैसा लूज करेंगे तो हमारी बेवकूफी होगी और किसी की नहीं। क्योंकि आप सोचिए ना, आप ये जो सेविंग्स करते हैं उसके लिए अपने 10 घंटा 12 घंटा ऑफिस में काम करते हैं या अपने दुकान में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, और इतना मेहनत से वो पैसा कमाते हैं, तो क्या 5-10 मिनट के इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं? मुझे तो ये लॉजिक नहीं समझ में आता है। तो मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी कोई भी वीडियो देखिए, कंपनी के बारे में पढ़ाई करें, तो पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले, फिर इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बिजनेस के बारे में समझते हैं। तो लेट्स सी कि पनामा पेट्रो करती क्या है, इसका बिजनेस क्या है, कैसे प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं, उस प्रोडक्ट्स में इनका मार्जिन कैसा आता है, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे। पनामा पेट्रो लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ पेट्रोलियम स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट, यानी पेट्रोलियम, जैसे हम लोग केमिकल जो बनाते हैं वो दो प्रकार का होता है, बल्क केमिकल होता है, स्पेशलिटी केमिकल होता है। तो पेट्रोलियम से बनाने वाले जो केमिकल्स होते हैं वो भी बल्क एंड स्पेशलिटी होते हैं। तो ये लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यानी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स मतलब उसमें काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व होता है और वो कस्टमाइज प्रोडक्ट होता है अपने कस्टमर के लिए। तो जहां पर वॉल्यूम तो थोड़ा कम आता है बट मार्जिन अच्छे मिलते हैं, तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट में क्या होता है, मार्जिन अच्छे मिलते हैं। एंड दे हैव कंसिस्टेंटली प्रोवाइडेड क्वालिटी सर्विस सिंस 1975। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत नई कंपनी है, ऑलरेडी 1975 से ये लोग इस बिजनेस में है। पनामा पेट्रो लिमिटेड हैज 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया। तो इंडिया में 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कहाँ कहाँ पर, अगर खाली स्टेट्स का नाम बताएं तो गुजरात में, दमन में, फिर गुजरात में एक और तलोजा जो कि रायगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर। तो ये 4 जगह इनके फैसिलिटी है, हैविंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी एंड स्टोरिंग कैपेसिटी। यानी बोलने का मतलब है जो भी मशीन्स लगे हुए हैं फैक्ट्री में, दे आर ऑल मॉडर्न मशीन्स विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। ओवरव्यू अगर कंपनी का देखें तो इनका ऑपरेशंस चालू हुआ था 1982 में। दे आर द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड स्पेशलिटी ऑयल्स, मोर देन 80 वेरिएंट्स ऑफ स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं। और इनका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, इंक्स में, रेजिन्स में, टेक्सटाइल्स में, रबर्स में, कॉस्मेटिक्स में, फार्मा में, पावर जनरेशन में, केबल्स में।
तो आप देख सकते हैं कि कितना अलग अलग इंडस्ट्री में इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। अगर अभी हम लोग केबल्स का बात करें तो जितना 5G हम लोग बात करें कि सितंबर से 5G चालू हो जाएगा या अक्टूबर से नवंबर से 5G इंडिया में आ जाएगा, तो 5G का जैसे जैसे रोल आउट चालू होगा हम लोग सब जानते हैं कि केबल्स का रिक्वायरमेंट कितना बढ़ेगा और इनका प्रोडक्ट केबल्स में इस्तेमाल होता है, तो केबल्स का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। इंडिया मैनुफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, जितना ज्यादा मैनुफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट होता जाएगा या बढ़ता जाएगा एक्सपेंशन, पावर का रिक्वायरमेंट उतना बढ़ेगा, तो पावर जनरेशन में इनके प्रोडक्ट्स काम आते हैं। फार्मा के बारे में मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है, वी आर नोन एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो वहां पर तो हम लोग का फार्मा का मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़ा है। कॉस्मेटिक्स में जितना भी कॉस्मेटिक्स जो है, क्योंकि आजकल बेसिकली अगर मैं बात करूँ ट्रेंड का, तो आजकल वुमन लोग भी ज्यादा जॉब्स करने के लिए घर से बाहर निकलने लगी है, तो वहां पर कॉस्मेटिक्स का रिक्वायरमेंट बढ़ने लगा है, तो इनके प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक में यूज होते हैं। टेक्सटाइल, रबर, रेजिन, इन सब में इनके प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। तो आप खुद इस डॉट्स को कनेक्ट करिए कि ये जो प्रोडक्ट इतने इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, तो ये इंडस्ट्री अगर ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली ग्रो करने के लिए इनको जो मटेरियल चाहिएगा वो तो यहीं से आएगा ना, पनामा पेट्रो सप्लाई करेगा तो पनामा पेट्रो का भी बिक्री बढ़ेगा, क्योंकि इनके प्रोडक्ट का डिमांड कब है, जब इनका जो कस्टमर है उसका बिजनेस में ग्रोथ हो। तो क्या आपको लगता है केबल्स का ग्रोथ होगा, पावर का ग्रोथ होगा, फार्मा का ग्रोथ होगा? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, आप दिमाग चलाइए, तब आप सीखेंगे। मेरे मेरे से आप बोरोड कन्विक्शन मत लीजिए, आप खुद दिमाग लगा के सोचिए कि क्या होगा केबल्स का, पावर जनरेशन का, रबर का, कॉस्मेटिक्स का डिमांड आगे चल के यहाँ से 3 साल 4 साल बाद क्या हो सकता है, तब आपको कन्विक्शन आएगा, तब आप प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है इनके पास, मैंने ऑलरेडी बता दिया। 100% EOU फैसिलिटी है यहाँ पर तलोजा में। ओनली ओन मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडरी इनका पनोल इंडस्ट्री जो है वो UAE में है, जो कि मीना यानी मिडिल ईस्ट नेशंस को केटर करने का काम करती है। कंपनी एक्सपोर्ट्स टू मोर देन 70 कंट्रीज, 70 से ज्यादा कंट्री में इनका एक्सपोर्ट है। ओवरसीज रिवेन्यू इनका 40% आता है, तो यानी 40% ऑफ द रिवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता है, 60% करीब रिवेन्यू इनका डोमेस्टिक सेल से आता है। कंसोलिडेटेड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो कंपनी का है 2.4 लाख, ठीक है, टन पर एनम का कैपेसिटी है, चार सब मिला के जो चारों पांचों यूनिट है ये सब मिला के इनका टोटल कैपेसिटी कितना है, 2.4 लाख टन पर एनम। ये ऑलरेडी NSE और BSE में लिस्टेड है और DSIR अप्रूव्ड R&D सेंटर इनका अंकलेश्वर गुजरात में है, जहां पर लेटेस्ट एनालिटिकल फैसिलिटी सारे लगाए हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बात करें, टोटल 2,40,000 टन पर एनम का कैपेसिटी है हम लोगों ने देखा। अंकलेश्वर में 50,000 टन का है, दमन में 60,000 टन का है, तलोजा में 75,000 टन का है, दहेज में 15,000 टन का है और UAE जो इनका प्लांट है उसमें 40,000 टन का कैपेसिटी है। तो ये सब मिला के अगर मैं बात करूं तो 2,40,000 टन के आसपास का पूरा कैपेसिटी है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में बात करें तो ये लोग कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो ये लोग व्हाइट ऑयल्स बनाते हैं, पेट्रोलियम जेली बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स बनाते हैं, इंक एंड कोटिंग ऑयल्स बनाते हैं, रबर प्रोसेसिंग ऑयल्स बनाते हैं, निटिंग ऑयल्स बनाते हैं, इंडस्ट्रियल ऑयल्स बनाते हैं और ड्रिलिंग फ्लूइड्स बनाते हैं। ये सारे स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का सिंपल सा मतलब है कि इसमें R&D का रिक्वायरमेंट होता है और ये प्रोडक्ट्स में क्या होता है, मार्जिन अच्छे मिलते हैं। अब आते हैं कि एक एक प्रोडक्ट का जिस्ट में समझते हैं कौन सा चीज कहाँ इस्तेमाल होता है। तो जो व्हाइट ऑयल ये लोग बनाते हैं, तो व्हाइट ऑयल मैन्युफैक्चर्ड बाय पनामा पेट्रो इज यूज एज अ ब्लेंडिंग बेस फॉर फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लाइक क्रीम्स, लोशंस, हेयर ऑयल्स, पेट्रोलियम जेली, ऑइंटमेंट्स एंड लैक्सेटिव्स। तो ये यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। पेट्रोलियम जेली का मैं बात करूँ तो दे आर यूज्ड इन बेस फॉर ऑइंटमेंट्स, पर्सनल केयर, वेटेनरी एंड अदर फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक एप्लीकेशन। ट्रांसफॉर्मर ऑयल जो होता है ये कहाँ यूज होता है, ऑयल इज फ्री फ्रॉम पोलर कंपाउंड्स, हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी एंड एजिंग प्रॉपर्टीज, द अल्ट्रा लो सल्फर। ये लोग जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल बनाते हैं उसका खासियत क्या है, ये अल्ट्रा लो सल्फर एंड वैक्स फ्री बनाते हैं, जिससे विस्कोसिटी जो होता है वो कम होता है। विस्कोसिटी मतलब चिपकना, यानी ट्रांसफॉर्मर ऑयल क्या है, जो पावर ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं, लोग सुनते हैं ट्रांसफॉर्मर जल गया, कितना बोलते हैं ना बत्ती क्यों गया, ट्रांसफॉर्मर जल गया। तो ट्रांसफॉर्मर क्या है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है, पावर यूनिट्स में काम आता है। तो उसमें क्या होता है, उसको चलाने के लिए ऑयल का जरूरत पड़ता है, तो वो ऑयल जो है वो ये लोग बनाते हैं। सविता ऑयल इज ऑल्सो अ कंपनी जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल में काफी बड़ा काम करती है। इनका ट्रांसफॉर्मर ऑयल का खासियत क्या है कि लो सल्फर का होता है, जिसके वजह से चिपचिपा कम होता है, तो तेल में चिपचिपाहट जो है वो कम होता है। फिर इनका रेजिन्स,
ऑयल ऑन ऑयल फॉर इंक एंड रेजिन्स पेंट इंडस्ट्री ये लोग बनाते हैं, तो ये लोग ऐसा पनोल नाम का जो प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं यूएई में, ये लोग कहाँ इस्तेमाल होता है, इंक में, रेजिन्स में और पेंट इंडस्ट्री में मेन इस्तेमाल होता है। अगर रबर प्रोसेसिंग ऑयल का बात करूं तो ये मैन्युफैक्चर रबर प्रोसेसिंग ऑयल्स विच आर वाइडली यूज अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज एंड आर पॉपुलर एज सेफ एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर टेक्सटाइल ऑयल का बात करूं, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है वहां पर इन ऑयल का जरूरत पड़ता है। तो दे मैन्युफैक्चर फाइन टेक्सटाइल ऑयल्स लाइक पनोल के एन टी एंड एंटीस्टैटिक कूलिंग ऑयल नोन फॉर इट्स वेरियस फीचर्स लाइक ऑक्सीडेशन एंड केमिकल स्टेबिलिटी। तो ये सब चीज के लिए इनका ये प्रोडक्ट्स पॉपुलर है जो टेक्सटाइल्स में यूज होता है। इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स का बात करें तो क्या यूज होता है, प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर हाइड्रोलिक ऑयल्स। तो हाइड्रोलिक ऑयल्स, गियर ऑयल, कंप्रेसर ऑयल, टर्बाइन ऑयल, सिलेंडर ऑयल, रेफ्रिजरेशन ऑयल, मेटल वर्किंग फ्लूइड्स, मराइन ऑयल्स, वायर ड्रॉइंग कंपाउंड्स, ऑटोमोटिव इंजिन ऑयल्स, गियर ऑयल्स, ट्रांसमिशन फ्लूइड्स, ग्लास मोल्ड ऑयल। तो ये सारा में ये जो इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स ये लोग बनाते हैं वो ये सब यूज होता है। तो इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं बात करूं कि ऑटोमोटिव इंजन ऑयल, तो इंजन में जो तेल डालते हैं ना वो उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट ऑयल। तो लुब्रिकेंट्स तो हम लोग जानते हैं जो इंजन में, गाड़ी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर ड्रिलिंग ऑयल, दीज फ्लूइड्स आर यूज फॉर वेरी स्पेसिफिक ड्रिलिंग एप्लीकेशन ऑफ ओबीएम। दीज आर कस्टमाइज प्रोडक्ट डेवलप्ड एंड अप्रूव बाय ओएनजीसी एंड इंटरनेशनल ड्रिलिंग सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ओएनजीसी और ये लोग डेवलप करते हैं ये सब कस्टमाइज प्रोडक्ट, तो ये लोग भी इस तरह का ड्रिलिंग ऑयल्स बनाते हैं। ऑटोमोटिव इंजन ऑयल ऑलरेडी मैंने समझाया कि किस तरह से ऑटोमोटिव इंजन ऑयल्स का गाड़ी में इस्तेमाल होता है। दे आर डिजाइन फॉर हेवी एंड मीडियम लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स, पंप सेट्स, आउटबोर्ड मोटर्स, मराइन इंजिन, कमर्शियल एंड पैसेंजर कार्स। तो कितने जगह इसका इस्तेमाल होता है, चाहे तो वीडियो पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं। ऑटोमोटिव गियर एंड ट्रांसमिशन ऑयल्स ये लोग बनाते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल काफी गाड़ियों में होता है स्पेशली। अब आता है रिवेन्यू को समझते हैं कि रिवेन्यू मिक्स कहाँ से, कौन से सेक्टर से कितना आता है। तो अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल ऑयल्स में इनका रिवेन्यू आता है इंक्स आता है, टेक्सटाइल से आता है, रबर से आता है, फार्मास्यूटिकल से, कॉस्मेटिक से, पावर से, केबल से। तो कितना अलग अलग इंडस्ट्री है जिसको ये लोग केटर करते हैं, तो रिवेन्यू काफी डाइवर्सिफाइड। कहाँ से कितना आता है ये समझ, सेल्स जो है प्रिंटिंग इंक से 20% आता है, कॉस्मेटिक्स एंड फार्मा से 24% आता है, रबर ऑयल प्रोसेसिंग से 21% आता है, निटिंग एंड एंटीस्टैटिक कूलिंग ऑयल से 19%, ट्रांसफार्मर ऑयल से 7% एंड अदर्स से 9%। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंस नहीं है, कहीं पर भी ऐसा नहीं कि किसी से 50% रिवेन्यू खाली उसी सेक्टर से आ रहा है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि आपका डाइवर्सिफाइड है सोर्स। तो क्या होता है, पर्टिकुलर मान लीजिए आज अगर फार्मा और कॉस्मेटिक का इंडस्ट्री थोड़ा सा स्लो डाउन में भी चलेंगे नेक्स्ट 3 महीना 4 महीना, तो ऐसा नहीं है कि इनके बिजनेस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि दे आर नॉट ओवरली डिपेंडेंट ऑन एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री। सारे इंडस्ट्री से मोर और लेस इक्वल जैसा या थोड़ा ऊपर नीचे करके रिवेन्यू है। तो एक पर्टिकुलर सेक्टर अगर थोड़ा डाउन भी हो जाए तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा बिजनेस। एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें तो कंपनी का 40% रिवेन्यू किससे आता है, एक्सपोर्ट से आता है। एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं लोग, यूएसए में, लैटिन अमेरिका में, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। प्रोडक्ट पाइपलाइन, आने वाले समय में वो लोग और भी नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अरोमा फ्री डिस्टिलेट्स इंक और कोटिंग इंडस्ट्री के लिए लोग बनाने वाले हैं। एरोमेटिक फ्री सॉल्वेंट जो कि पेंट इंडस्ट्री के लिए लोग बनाएंगे। बायोडिग्रेडेबल ऑयल्स बनाएंगे फॉर ड्रिलिंग एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन। तो जितना ऑयल का डिमांड दिन पे दिन, जैसे हम लोग कोविड से बाहर निकल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इकोनॉमी अब कोविड से बाहर निकल के ग्रो करने में लगी हुई है। तो ऑयल का डिमांड बढ़ेगा तो इनका ड्रिलिंग ऑयल्स का भी डिमांड बढ़ेगा। एरोमेटिक फ्री एंड नॉन कैरसिनोजेनिक न्यू जनरेशन ऑयल्स लोग बनाएंगे रबर इंडस्ट्री के लिए। तो कोटिंग एंड इंक इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, ऑयल एक्सप्लोरेशन और रबर, इसके लिए ऑलरेडी इनके पाइपलाइन में कुछ प्रोडक्ट्स है जिन पे ये लोग काम कर रहे हैं। अभी लॉन्च नहीं हुआ, आने वाले समय में ये प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होंगे। तो ये जब नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे तो उससे ऑटोमेटिकली रिवेन्यू और भी इनका बेटर होगा। कैपेसिटी एडिशन का बात करें तो दे हैव अ प्रपोज्ड कैपेसिटी एडिशन बाय 40%। अभी इनका कितना है, 240,000 टन पर एनम का कैपेसिटी है, इसको ये लोग 40% से ग्रो करेंगे। 40% से ग्रो करने का मतलब हो गया कि करीब करीब और
24,000 इंटू फोर कर लो, 90,000 टन के आसपास उनका कैपेसिटी और बढ़ जाएगा। तो 90,000 अगर बढ़ जाता है तो 3,30,000 टन का कैपेसिटी तक इनका जाने का आगे प्लान है। ठीक है, अभी 2,40,000 है, ये आगे बढ़ के 3,30,000 टन का कैपेसिटी हो जाएगा। और ये इनहेंस्ड कैपेसिटी बोल रहे हैं FY23 से कंट्रीब्यूट होना चालू होगा, अभी तक ये बढ़ा नहीं है, मे बी सेकेंड हाफ अक्टूबर नवंबर में हम लोग को ये कैपेसिटी बढ़ता हुआ दिखे। प्लांट वॉल्यूम ग्रोथ है इनका नेक्स्ट 4 ईयर्स तक, ये लोग बोल रहे हैं हम लोग नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और जो पुराने प्रोडक्ट है उसका मार्केट शेयर बढ़ा के वॉल्यूम ग्रोथ लाने का कोशिश करेंगे। और प्रपोज्ड कैपेसिटी एडिशन इन लोग का ये जो UAE प्लांट है उसमें अकेले में 50% का कैपेसिटी बढ़ाने का इनका प्लान है। डिविडेंड आप देख सकते हो कि कितना कम डिविडेंड दिया करती थी, इस साल अचानक से इन्होंने 400 करोड़ का ऑलमोस्ट डिविडेंड बांटा है, तो डिविडेंड ये लोग काफी अच्छा दे रहे हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल्स का बात करें तो ऑलरेडी हम लोगों ने फंडामेंटल्स काफी डीपली एनालाइज किया, आप चाहें तो ये जो ग्राफ है इसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो मार्जिन इनका पहले से बेटर हो रहा है, रिटर्न रेशियोज आर गुड, पैट इनका काफी राइजिंग ट्रेंड में है, फ्री कैश फ्लो कंपनी ठीक ठाक हर साल ही जनरेट कर रही है, खाली एक साल बीच में नेगेटिव हुआ था। स्वॉट एनालिसिस अगर स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखें कंपनी का, तो स्ट्रेंथ क्या है, दे हैव एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड इन व्हाइट ऑयल्स एंड अलाइड बिजनेस, तो इनका 35 साल का एक्सपीरियंस है, 80 से ज्यादा ऑलरेडी प्रोडक्ट है और मार्केट ऑलरेडी इनका पकड़ा हुआ। दूसरा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, तो 80 से ज्यादा इनके पास प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट भी क्या है, अलग अलग इंडस्ट्री को कैटर करते हैं, तो दे आर नॉट ओवरली डिपेंडेंट ऑन एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, तो वो बहुत अच्छा चीज है कि दे आर डाइवर्सिफाइड। कस्टमर प्रोफाइल का बात करें, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें, तो इनका 40% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और वो भी किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है। द कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग कस्टमर प्रोफाइल इंक्लूडिंग लार्ज इंटरनेशनल एफएमसीजी कंपनीज लाइक डाबर एंड मरिको, रेप्यूटेड प्लेयर्स इन टेक्सटाइल इंक एंड टायर सेक्टर्स व्हाइल एंजॉयिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद सेवरल ऑफ इट्स की क्लाइंट्स, तो काफी क्लाइंट इनके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है जो लॉन्ग टर्म से इनके साथ सामान ले रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है इनका स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, कंपनीज फैसिलिटी इन तलोजा महाराष्ट्र इज लोकेटेड क्लोज टू द पोर्ट एंड इज यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज एक्सपोर्ट, तो पोर्ट के करीब है और वहीं से लोग मेजर एक्सपोर्ट करते हैं। फर्दर इट हैज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन यूएई व्हिच हैज एडवांटेज ऑफ बीइंग लोकेटेड क्लोज टू बेस ऑयल सप्लायर्स, अब इनके लिए मेन रॉ मटेरियल क्या होता है, ये लोग जो ऑयल जो स्पेशलिटी ऑयल्स बनाते हैं उनका मेन रॉ मटेरियल क्या है, क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से बनता है बेस ऑयल, तो इनके लिए मेन रॉ मटेरियल क्या है, बेस ऑयल, तो ये लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करते, ये लोग बेस ऑयल इंपोर्ट करते हैं और उस बेस ऑयल से ये लोग ये लुब्रिकेंट्स और ये सब जो ये लोग बनाते हैं प्रोडक्ट वो सारा बेस ऑयल से बनता है। तो बेस ऑयल का सप्लायर कौन है, मिडिल ईस्ट है और इनका जो प्लांट है वो मिडिल ईस्ट में करीब है बेस ऑयल सप्लायर्स के, तो वहां से इनको बहुत आसान होता है वेस्ट एशिया से चीजों को इम्पोर्ट करना और बहुत सस्ते में ये लोग इम्पोर्ट कर पाते हैं, जिस वजह से इनका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफी बचता है। चैलेंजेस क्या, वल्नरेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट टू फॉरेक्स फ्लक्चुएशन, अब क्या होता है कंपनी जो है इनका नेचर ऐसा है कि बेस ऑयल का प्राइस जो है बहुत अप डाउन होता रहता है, क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट होता है, तो उस वजह से क्या होता है, बिकॉज बेस ऑयल इज अ क्रूड ऑयल डेरिवेटिव उसका प्राइस रिमेन्स वोलेटाइल, सो द कंपनी रिमेन्स एक्सपोज टू मूवमेंट इन बेस ऑयल प्राइसेस, हाउएवर इट कैन पास ऑन एनी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन बेस ऑयल प्राइस विद द प्रोविजन टू सेट प्राइस ऑन मंथली बेसिस, तो ये लोग क्या कर सकते हैं कि बेस ऑयल का प्राइस ये लोग इजीली पास ऑन कर सकते हैं बट एक महीना के गैप के बाद, ठीक है, तो इन केस ऑफ एक्सपोजर टू फॉरेक्स फ्लक्चुएशन द कंपनी एक्सपोर्ट प्रोवाइड नेचुरल है। अब क्या होता है ये लोग बेस ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं इसमें दिक्कत क्या होता है कि अगर इंडिया का करेंसी वीक हो जाता है, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया का करेंसी वीक हो रहा है, तो दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन कि इनका मार्जिन थोड़ा सा डाउन अगर हुआ है तो क्यों हुआ क्वार्टर वन में, क्योंकि इंडिया का करेंसी वीक हो रहा है, हो सकता है सेकंड क्वार्टर में जो सितंबर का रिजल्ट आए वहां पर मार्जिन हमें थोड़ा और वीक होता हुआ दिखे, क्योंकि इनका इंपोर्ट जब होता है तो इंपोर्ट का तो डॉलर में प्राइस है पर डॉलर का हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है रुपया में, तो वहां पर अगर रुपया कमजोर हो जाता है ना जब, तो इनको पेमेंट ज्यादा करना पड़ता है तो इनके लिए कॉस्ट बढ़ जाता है, उसी को ये लोग बोलते हैं फॉरेक्स लॉस। फॉरेक्स लॉस मतलब जो मेरा सप्लायर है वो तो पहले भी मेरे को मान लो $20 में कोई चीज बेच रहा था, वो आज भी मेरे को $20 में ही सामान दे रहा, पर पहले जब डॉलर का प्राइस 70 रुपया था $1 का, तो मेरे को पेमेंट करना पड़ता था 70 × 20, तो कितना रुपया, 1400 रुपया पेमेंट करना पड़ता है। आज अगर डॉलर का दाम 80 रुपया हो गया है तो मेरे को वही सामान का 1600 रुपया पेमेंट करना पड़ता है, तो मेरा सप्लायर ने प्राइस नहीं बढ़ाया
पर फॉरेक्स में मेरा करेंसी क्योंकि वीक हो गया, 1400 के बदले मेरे को 1600 पेमेंट करना पड़ा, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इज फॉरेक्स लॉस। तो आप जब पढ़ते हो फॉरेक्स लॉस तो आपको समझ में आना चाहिए कि फॉरेक्स लॉस एक्चुअली क्या है। बहुत बार ये सब टेक्निकल टर्म्स क्या होता है हम लोग समझ नहीं पाते, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये लोग जो बोल रहे हैं कि नेचुरल हेज होता है, नेचुरल हेज का मतलब ये है कि क्योंकि हम लोग 35 से 40% एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो यहाँ 200 रुपया का नुकसान हुआ ना मेरे को फॉरेक्स की वजह से, तो उसका 40% हम लोग को एक्सपोर्ट में फायदा नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बेचेंगे तो पुराने दाम में, पर रुपया हम लोग को ज्यादा मिलेगा। तो 40% यानी बोलने का मतलब है 80 रुपया हम लोग इस लॉस में रिकवर भी कर लेते, तो जो 200 का लॉस होने वाला था वो एक्चुअली लॉस सिर्फ 120 रुपया का होगा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड नेचुरल हेज, कि हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं 40%, तो वहां पर हम लोग का 80 रुपया वहां पर बच भी जाए, तो इसको नेचुरल हेज बोलने का कोशिश है। फिर क्या है, हाई कॉम्पिटिशन ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी कंपनी पेट्रोकेमिकल्स में, द कंपनी ऑपरेशंस आर एक्सपोज टू हाई कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स, फ्यू ऑफ हूम हैव बिगर स्केल ऑफ ऑपरेशंस। तो वहां पर क्या होता है, बिगर ऑपरेशन होने की वजह से क्या होता है, जैसे इकरा ने अपने नोट में क्या कहा है, दैट लो एंट्री बैरियर एंड लिमिटेड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हैव लेड टू इंटेंस कॉम्पिटिशन इन द बेस ऑयल प्राइस। तो बेस ऑयल इंडस्ट्री में क्या होता है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए अब समझ रहे हैं कि इस बिजनेस में इंटरेस्टिंग क्या है, ये लोग बेस ऑयल नहीं बना, ये लोग बेस ऑयल को R&D करके स्पेशलाइज प्रोडक्ट बनाते। तो आप इस कंपटीशन के रैट रेस से बाहर कब होते हो, जब आप R&D करके एक स्पेशल प्रोडक्ट निकालते हो जो आपका कॉम्पिटिटर ने अभी तक रिसर्च करना चालू नहीं किया। तो वहां पर क्या है, आप अपना एक मोनोपोली पावर डेवलप कर लेते हो स्पेशलिटी प्रोडक्ट। इसीलिए क्या है, जब हम लोग पेट्रोकेमिकल कंपनीज के बारे में पढ़ते हैं तो इंटरेस्टिंग चीज नजर क्या रखना चाहिए कि क्या ये बेस केमिकल्स बनाती है या स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। मेरे को ये कंपनी क्यों इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट जो बनाते हैं दे आर स्पेशलिटी केमिकल्स। हाँ, ऐसा नहीं कि इन लोगों का एकदम पूरा मोनोपोली है, इनके भी कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में, पर जब आप स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बनाते हो ना तो आपके जो कस्टमर है आप उस कस्टमर के नीड के हिसाब से आपने रिसर्च किया और उनके कस्टमाइज प्रोडक्ट आप उनको दे रहे, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गए अब कि आपके पास वो फॉर्मूला है जैसा प्रोडक्ट उनको चाहिए। तो अब वो जो कस्टमर आपके पास आ गए वो जल्दी से आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। और हम लोगों ने देखा इनके पास सब बड़े बड़े डाबर और इस तरह के, आई थिंक पेंट्स में इनके पास एशियन पेंट इनके क्लाइंट हो सकते हैं, तो डाबर और मेरिको जैसे क्लाइंट अगर इनके पास है तो वो लोग के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होने का मतलब क्या हुआ कि इनके पास जो प्रोडक्ट है उससे डाबर और मेरिको जैसी कंपनी क्वाइट सेटिस्फाइड है। हाँ, यही हो सकता है कि मार्जिन्स में कभी कभी अगर इनको थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़े तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छी कंपनी है और वो लोग क्या होता है कि वो लोग थोड़ा सा आपको प्रेशर में रखते हैं, तो आप बहुत मन चाह मार्जिन उनसे नहीं कमा सकते, बट आपका बिजनेस सस्टेनेबल है, तो दैट इज गुड। ऑनकॉल में मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कहा है वो समझते हैं। कंपनी ने क्या कहा है, मैनेजमेंट, वी आर इंटू मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोलियम स्पेशलिटी प्रोडक्ट, तो बार बार स्पेशलिटी वर्ड पे फोकस। We manufacture more than 80 different variants of petroleum specialties, catering to about 6 to 7 different industrial segments. We have food manufacturing plants in India, and we entered into manufacturing of our first overseas plant in UAE under the name Panol Industries, which is 100% owned subsidiary of Panama Petrochem, which has an installed capacity of 2,40,000 metric tons. We are currently running at 100% capacity utilization at all our units, and we have plan of continuously increasing our capacity in coming year. This year we have planned to add another 30,000 tons to our capacity, which will be commercialized in the second half of the year. Yani second half of the year almost हम लोग अभी second half of the year में आ चुके हैं। September खत्म हो जाएगा तो October से आ जाएंगे हम लोग। तो उसमें बोल रहे 30,000 tons का हम लोग का capacity addition is on the cards. बिजनेस परफॉर्मेंस को लेकर उन्होंने कहा, द बिजनेस एनवायरनमेंट एज यू ऑल नो इज चैलेंजिंग विद रिसेशनरी कंसर्न्स, वी हैव अचीव्ड स्टेबल परफॉर्मेंस इन दिस क्वार्टर विद गुड डिमांड सीन इन आवर वैल्यू एडेड ऑफरिंग्स। तो हम लोग का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में अच्छा डिमांड आ रहा है, इनेबलिंग अस टू रिकॉर्ड गुड ऑपरेटिंग मार्जिन विच इज एट 15.8% ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो इतना मार्केट में इंडस्ट्री में अपडाउन होने के बाद भी ये लोग अपना 16% के आसपास का मार्जिन मेंटेन किए हुए हैं, उसके पीछे कारण क्या है, इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है उसका डिमांड काफी अच्छा है। क्रूड प्राइस दो वोलाटाइल हैज बीन इन रेंज एंड हेल्प द कंपनी टू स्ट्रेटेजाइज प्रोक्योरमेंट। तो क्रूड ऑयल का प्राइस काफी बढ़ गया था, फिर भी अभी एक क्वार्टर में रेंज में है, तो ये लोग अपना प्राइस अकॉर्डिंगली बढ़ा लिए, तो मार्जिन सस्टेनेबल।
और अब सेकेंड क्वार्टर में तो हम लोग देख रहे हैं क्रूड ऑयल अब धीरे धीरे नीचे भी आ रहा है, तो उसका बेनिफिट इनको मिलेगा। द कंपनी हैज बीन सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग नेट रियलाइजेशन ऑन हायर साइड ड्यूरिंग द क्वार्टर। द एक्सपेंशन प्रोग्राम इज ऑन ड्यू कोर्स एंड वी विल सी एडिशनल कैपेसिटी गोइंग ऑन स्ट्रीम इन बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड हाफ ऑफ 2023। वॉल्यूम्स को लेकर उन्होंने बोला, yes, the environment was quite challenging in this quarter as we have been seeing over the last 5 to 6 quarters, things have been very volatile. But I would say that the Indian market has been quite resilient after COVID restrictions were lifted. I personally feel that the Indian market bounced back very strongly. Currently, if you see this quarter, in the first quarter of the year, our domestic sales, actually the volume increased over the preceding quarter to 44,440 tons, जो कि अभी जून क्वार्टर में वॉल्यूम आया है, जबकि मार्च क्वार्टर में इनका 41,555 टन। तो वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी में अच्छा इस क्वार्टर में देखने में। द यूएई प्लांट द पनोल इंडस्ट्री, देयर वाज अ डिप इन सेल्स ओवर देयर बिकॉज ऑफ ग्लोबल सिनेरियो, बट ओवरऑल इन दिस क्वार्टर वी हैव अचीव टोटल वॉल्यूम्स ऑफ अबाउट 57,220 टन, व्हिच इज स्लाइटली डाउन फ्रॉम द प्रीसीडिंग क्वार्टर बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कस्टमर्स हैव पोस्टपोन्ड इट देयर अपटेक ऑफ ऑर्डर। तो कस्टमर्स जिनके काफी पोस्टपोन्ड किए थे इस क्वार्टर में ऑर्डर्स को, तो ऑब्वियसली अगर पोस्टपोन्ड किए थे क्वार्टर वन में, तो क्वार्टर टू में उसका बेनिफिट देखने मिलेगा। तो दैट इज गुड फॉर क्वार्टर टू। अभी हम लोग क्वार्टर टू का रिजल्ट सेप्टेम्बर के एंड में आएगा, सेप्टेम्बर के एंड में ना, सेप्टेम्बर के बाद अक्टूबर में आएगा। तो दिस इज गुड कि अगर ऑर्डर पोस्टपोन हुआ था, तो अगर हो सकता है सेकेंड क्वार्टर में आए, तो उसका बेनिफिट इनको मिल जाए। वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन को लेकर उन्होंने बोला कि सो उनसे पूछा गया, सो डू यू स्टिल बिलीव वी आर गिवन द एडिशनल कैपेसिटीज आर कमिंग, सो स्टिल यू बिलीव दैट योर वॉल्यूम कैन ग्रो 15-20% दिस ईयर। बोले येस, वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक, लुकिंग एट द फोरकास्ट फ्रॉम आवर कस्टमर्स एंड डिमांड, वी फील लाइक देयर विल बी 15-20%, वी विल बी एबल टू हैव ग्रोथ कमिंग इन ग्रोथ इन द कमिंग मंथ्स एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में और ग्रोथ टॉपलाइन में 15-20% का ये लोग वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्जिन को लेकर उन्होंने बोला कि EBITDA, the EBITDA on consolidated basis was 15.8%. We firmly believe that we will be able to maintain our EBITDA margins between 13-16%. तो नीचे अगर जाएगा तो 13%, ऊपर 16% इस EBITDA margins को हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। तो इनका आगे बोल रहे हैं कि उनसे पूछा, सो यू आर अपिंग द गाइडेंस एज यू कॉन्स्टेंटली मेंटेन 12-14%, यानी पहले 5 महीनों ने कहा है कि हम लोग का मार्जिन 12% से 14% के रेंज में रहेगा, तो क्या आप अब अपना मार्जिन का रेंज को बढ़ा रहे हैं, 13 से 16 कर रहे हैं? येस, बिकॉज एज यू नो द स्ट्रेटेजी ऑफ द मैनेजमेंट इज टू कंटिन्यूअसली चेंज द प्रोडक्ट मिक्स इन फेवर ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो बोल रहे हैं जैसे जैसे हम लोग अपने पोर्टफोलियो में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को एड करते जा रहे हैं, उतना ज्यादा हम लोग का मार्जिन अपटिक होते जाएगा। तो पहले हम लोग का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कम था, तो 12-14% का मार्जिन हम लोग का था, अभी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हम लोग का बढ़ रहा है, तो वी आर मेंटेनिंग 13-16% मार्जिन। एक्सपोर्ट ग्रोथ को लेकर उन्होंने बोला कि ऑन दिस क्वार्टर द एक्सपोर्ट सेल वॉज अबाउट 132 करोड़ कंपेयर टू 113 करोड़ इन द प्रीवियस क्वार्टर इन मार्च, सो देर हैज बीन इंक्रीज इन दिस क्वार्टर ऑफ आवर एक्सपोर्ट सेल्स विच नाउ स्टैंड्स एट अबाउट 43% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो एक्सपोर्ट में भी अच्छा ग्रोथ इनको नजर आ रहा है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं, आवर मार्जिन डिफरेंशियल फॉर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट गिव अस मार्जिन ऑफ 14-17%। तो बोल रहे जो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हम लोग का आ रहा है, उसमें मार्जिन कितना है हम लोग का, 14-17% का है, तो इसीलिए हम लोग 13-16% का मार्जिन गाइडेंस दे रहे हैं। अगेंस्ट रेगुलर प्रोडक्ट जो हम लोग का है, उसमें 10-13% का मार्जिन रहता है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में 14-17% का मार्जिन होता है। तो जितना हम लोग का टोटल पाई में जितना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, उतना ज्यादा हम लोग का ओवरऑल ब्लेंडेड जो कंसोलिडेटेड मार्जिन से वो इंप्रूव होगा, उसीलिए इन्होंने गाइडेंस 13-16% कर दिया। डेट को लेकर उन्होंने बोला कि वी आर कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी, जैसा हम लोगों ने भी ऑलरेडी देखा था। केपेक्स को लेकर उन्होंने बोला, सो वी आर करेंटली रनिंग एट 100% कैपेसिटी, बट आवर कैपेसिटी इज एक्सपेंडेबल अबाउट 15-20% ओवर द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। दिस ईयर वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड एन एडिशन ऑफ 30,000 टन्स टू आवर एक्जिस्टिंग कैपेसिटी, जो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में आएगा। इन द कमिंग ईयर्स वी हैव फर्दर प्लान्स टू इंक्रीज अबाउट 30,000 टन्स पर ईयर ईच ऑफ द कमिंग 2-3 ईयर्स, यानी इस साल अभी हम लोग FY23 में, इस साल तो 30,000 बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और उसके बाद भी नेक्स्ट 2 से 3 साल
हर साल ये लोग 30-30 हजार करके अपना कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, तो अज्यूमिंग कि इस बार 30 और नेक्स्ट 3 साल 30 यानी 4 साल, तो 1,20,000 टन से इनका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो अभी 2.4 लाख टन का कैपेसिटी है, 1.2 लाख टन का कैपेसिटी इनका नेक्स्ट 3-4 साल में हो जाएगा, तो 3.6 लाख टन का कैपेसिटी इनका आज से 3 साल बाद एक्सपेक्टेड है। और उसमें केपेक्स कितना लगेगा, 100 करोड़ का केपेक्स लगेगा, विच वी हैव प्लान्ड एक्सपेंशन और थ्रू आवर इंटरनल अप्रूवल्स, और ये पूरा इंटरनल अप्रूवल से इनका करने का प्लान। तो एज आई सेड कैपेसिटी इज एक्सपेंडेबल अबाउट 15-20% एंड लुकिंग एट द ग्रोथ वी आर वेल ऑन कोर्स विद दिस एडिशन ऑफ कैपेसिटी एंड वी विल डेफिनेटली इवैल्यूएटेड आफ्टर एवरी 2 इयर्स, और हर 2 साल में लोग इवैल्यूएट करेंगे और कितना हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इन सब चीज को मैनेजमेंट ने जो 13-16% का सस्टेनेबल मार्जिन बताया, 15-20% का टॉप लाइन ग्रोथ मैनेजमेंट, 15-18% का टॉप लाइन ग्रोथ मैनेजमेंट बता रही, इन सब को देख के जो वैल्यूएशन जो मुझे लगता है कंपनी का क्या हो सकता है इन 3 डिफरेंट सिनेरियो। अगेन मैं बताने से पहले बताऊं कि ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस कि आप एक वैल्यूएशन कैसे डेराइव करते हैं, ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए कि किस प्राइस में हम लोग इसमें एंटर कर सकते हैं, कितना ऊपर ये जा सकता है, तो अगर वहां पर ये चला गया तो वहां पर अपने को एंट्री नहीं भी लेना। तो दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, तो किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं। तो अभी इनका रेवेन्यू जो है 21-32 करोड़ है, मैनेजमेंट का चांसेस है 20% का टॉप लाइन ग्रोथ, तो अगर 19% का ग्रोथ मानते हैं अगर सब कुछ बहुत अच्छा रहा तो, विद एबिटा मार्जिन ऑफ 14%, मैनेजमेंट ने 13-16% बोला है बट मैंने यहाँ थोड़ा कंजर्वेटिव होकर 14% का मार्जिन लिया। तो और डेट इनके पास 30 करोड़ है, ये भी लेना नहीं चाहिए था, बट ठीक है 30 करोड़ मैंने ले लिया, कैश को मैंने इग्नोर किया टू बी कंजर्वेटिव। तो वहां से इसका प्राइस जो हो सकता है 580 रुपए तक या 600 रुपए तक भी ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी है, अगर सब कुछ बहुत फेवरेबल चला तो। अगर मैं नॉर्मल फेज का बात करूं, तो अगर बहुत अच्छा भी नहीं चला, कुछ नेगेटिव भी नहीं चला, ठीक अपना अपना जैसे एक नॉर्मल ग्रोथ आना चाहिए वैसा आ रहा है, तो 15-16% का टॉप लाइन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इबिटा मार्जिन हो सकता है 12% पे आ जाए, जो कि चांसेस कम है क्योंकि मैनेजमेंट ने बोला 13-16 हम रहेंगे, तो मैंने तो और भी थोड़ा डाउन करके कंजर्वेटिव वैल्यूएशन किया, तो उस हिसाब से ये 338-340 तक जा सकती है। अभी ये 320 के आसपास ऑलरेडी ट्रेड कर रही है, मैंने जिस दिन वैल्यूएशन किया था तब 313 था, 320 पहुंच गया, तो 340 तक का इसका फेयर वैल्यू मेरे को नजर आता है। फिर इमीडिएट बेसिस पे मेरे को लगता है 20 रुपये का अपसाइड अभी इमीडिएट बेसिस पे है, और खुदा ना खास्ता अगर कुछ नेगेटिव हो जाता है, मान लो कि फिर से कहीं पर युद्ध छिड़ गया, फिर से क्रूड ऑयल का सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया, क्रूड ऑयल का दाम फिर से आसमान छूने लगा, ऐसा कुछ अगर होता है तो वहां पर इनका मार्जिन गिर के अगर 9% पे आ जाए और टॉपलाइन में बहुत ज्यादा नहीं खाली 12-14% का ग्रोथ हो, तो ये नीचे गिर के 275 रुपए तक भी, सॉरी 275 175-176 तक या 180 रुपए के आसपास नीचे आ सकते हैं। और हम लोगों ने जो ये चार्ट देखा था टेक्निकल बेसिस पे 250 या 270 रुपए के आसपास टेक्निकल बेसिस पे इसका सपोर्ट दिखता है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं नीचे से नीचे कितना जा सकता है और ऊपर से ऊपर अभी नेक्स्ट 1 साल में क्या पॉसिबिलिटी नजर आती है। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली, कुछ अच्छा लगा, आपको लगा कि कुछ सीखने मिला, कुछ नॉलेज मिला कि कैसे एक पेट्रोकेमिकल कंपनी को स्टडी करते हैं, तो आप लाइक जरूर करिए। अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल में तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ बेल बटन दबा के ऑल वाला जो बटन है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी नया कंपनी पे हम रिसर्च करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेगा, और हम इसी तरह से कंपनी पे डीप डाइव एनालिसिस आगे भी करेंगे ताकि आपको कंपनी के बारे में हम कंप्लीट नॉलेज दे सके। तब आपको बहुत सारी कंपनीज का अगर आइडिया होगा कि क्या बिजनेस है, कैसे करते हैं, तो आप किसी एक या दो चार पांच कंपनी में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। पर हमारे तरफ से कभी कोई रिकमेंडेशन किसी कंपनी को लेकर नहीं रहा है, हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो बनाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोज अच्छे लगते हैं, आपको पसंद आता है। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए, आपको कुछ खराब लगा, आपको लगा कि इसमें कुछ इनकम्प्लीट है और कुछ ऐड कर सकते हैं, आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आप कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, तो हम आपके साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज अदरवाइज और कोई जरिया नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। कुछ लोग हमें मेल्स भी करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि मेल्स करके वो लोग हमारे साथ कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। आप चाहे तो हमें इस नंबर पर मेल कर सकते हैं, अगर किसी भी तरह का आपको हमारे साथ डिस्कशन भी करना है, कोशिश करूंगा मेल का जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करने का। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
लाइक करने में कंजूसी ना करें, बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनके साथ भी नॉलेजेबल कंटेंट आप शेयर कर सकें, उनको भी अच्छा होगा, उनके उनके इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए भी उनको फायदा मिलेगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।